मैं अनपढ़ हूँ, ये मेरी एक बहुत बड़ी कमजोरी है और इससे मैं दूर करना चाहती हूँ। माझी में पढ़ना चाहती हूँ। ओपी बहू, ये क्या कह रही हो तुम? मुझे तो कभी भी तुम में कोई कमी नजर नहीं आई। मैं समझ सकती हूँ कि तुमने जो गलती की इसलिए तुम्हें घर के कुछ लोगों ने कुछ कुछ कहा, लेकिन उनकी बातों पर इतना ध्यान मत दो कि तुम परेशान हो जाओ। आइंदा ऐसा विचार कभी भी मन में मत लाना, समझी गया तुम्हें गोपी? किंजल, किंजल बेटा, तुम अभी भी अपनी पढ़ाई को लेकर परेशान हो? अपनी माँ की आंखों में देखकर देखो। मैं समझती हूँ एक लड़की के लिए अपना घर छोड़कर दूसरे घर जाना, ये सोच कर ही मन पर क्या बीतती है, मैं सब समझती हूँ। बेटा, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, हर लड़की के साथ ऐसा होता है। तने खबर छे, वो कल की आई हुई गोपी मुझसे क्या कह रही थी? कह रही थी कि किंजल बेन परेशान है। अरे मुझे कोई और बताएगा? अरे मुझे कोई और बताएगा कि मेरा बच्चा परेशान है या खुश? किंजल, माँ अपने बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखती है। बच्चा कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, पास रहे दूर रहे, लेकिन बच्चे की सांसों का सुर माँ की धड़कन से जुड़ा रहता है। जानती है तू, माँ बिना कुछ जाने बिना कुछ सुने सब समझ लेती है, कौन सी चीज उसके लिए फायदेमंद है और कौन सी घातक। किंजल, इसीलिए मैं चाहती थी कि मेरे बेटे अहम को एक ऐसी पत्नी मिले जो उसे संभाल ले। गोपी को मैं बहू बनाकर लाई ये जानते हुए। अहम अनीता सास, जो बहू से माँ जैसा प्यार जताए, बहू के हुनर को समाज में पहचान दिलाए, ऐसी ही सास तो टीवी की फेवरेट सास कहलाए। लेकर फेवरेट सास का अंदाज आऊंगी मैं आज रात को जब बजेंगे 8:30 बस आपके फेवरेट चैनल स्टार भारत पर। तेरा मेरा साथ रहे आज से रात 8:30 बजे स्टार भारत और डिज्नी प्लस हॉट।